जय श्री राम। मैं सुनील शर्मा, श्री रामला कमेटी सेक्टर 17 परेड ग्राउंड की रामला में रावण का किरदार करता हूँ। सर, जी तुम हाईटेक रामला करने जा रहे हैं, सर उदा बारे दसो उदा की कारण है? जो हम हाईटेक रामला करने जा रहे हैं वो टैगोर थिएटर में 25 दिसंबर 2021 दिन शनिवार को होगी, जहाँ पर ट्रिब्यूट टू यशवंत जी की याद में हम प्रोग्राम कर रहे हैं। क्योंकि यशवंत सिंह जी वो इंसान है जिन्होंने रामायण लिखी, और वही रामायण पूरे भारत की रामला कमेटी जितनी भी है उसी स्क्रिप्ट से निकाल कर ही रामला करती है। यशवंत जी का जन्म टोहाना का हुआ 1881, 17 फरवरी सन 1881 में उनका जन्म हुआ, और 23 दिसंबर 1957 में उनका स्वर्गवास हो गया, जिनकी याद में आज तक पूरे इंडिया में जहाँ भी रामला होती है किसी ने उनके लिए श्रद्धांजलि प्रोग्राम नहीं रखा। इसलिए मैं सौरव आठ से प्रेजेंट हूँ। ये डायरेक्टर हैं नवयुग रामला कमेटी सेक्टर 7 से, ये क्या नाम बेटा, प्रियंका, जो यहाँ पे लक्ष्मण जी का किरदार करेगी। और आपको एक चीज़ बताते हैं, जो हमारे राम जी का किरदार करेंगे वो गुरबख्श रावत, जो कि यहाँ पे काउंसलर है, एमसी की काउंसलर है, वो यहाँ पे राम जी का किरदार करेगी। सीता माता का जो किरदार है वो खुशबू यादव करेगी। हम बड़े भाग्यशाली हैं, हमें उनकी याद में रामला करने का मौका मिला, और हमने इस कार्यक्रम को करने के लिए पूरे इंडिया से जहाँ जहाँ रामला होती है वहाँ से हम जो भी राम जी का किरदार करते हैं उनको हमने पूरी वेशभूषा में यहाँ टैगोर थिएटर में बुलाया है। और जहाँ से हम यशवंत जी की याद में पहले सभी राम, जितने भी राम की वेशभूषा में होंगे सभी उनको पहले श्रद्धांजलि देंगे, उसके बाद हम हाईटेक रामला का आयोजन शुरू करेंगे। तो ये हमने आज यहाँ पे हमारी रिहर्सल श्री सनातन धर्म मंदिर सेक्टर 8 चंडीगढ़ में हमारी रिहर्सल होती है डेली रोजाना। तो यहाँ पे हम रिहर्सल शाम को 6 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक करते हैं, और ऐतवार के दिन हम सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक करेंगे। और सर कितने हाईटेक रामला कितने होएगी सर चंडीगढ़ दे? मेरी हाईटेक रामला और साड़ी टैगोर थिएटर 25 दिसंबर दिन शनिवार 2021 शाम 5 बजे। मेरी आप लोगों से यही बेनती है, क्योंकि कोरोना की बीमारी के कारण हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना अभी ख़त्म है। तो इसलिए हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितने भी रामला देखने आए और अपने मास्क पहन कर आए, जिन लोगों के पास मास्क नहीं होंगे उनको वहाँ से हम प्रोवाइड करेंगे। तो मैं तो यही बेनती करूँगा कि आप सोशल डिस्टेंस का पालन हम जरूर करेंगे, और मास्क का हम वहाँ पे इंतजाम करेंगे, आप सबको मास्क दिए जाएंगे जो लोग लेकर नहीं आएंगे। सुनील जी, खास गल है जी, थोड़ी रामलीला च देखने मिली रिहर्सल के दौरान मैं कवर कर रहा सीगा, कुड़ियां इतने रोल कर रही हैं, है ना, उदे की कारण है सर? अक्सर असं रामलीला च देखते मुंडे ही रोल करते हैं। एक्चुअली ऐसे है कि जो रामला में लेडीज का किरदार होता है वो वहाँ पे जेंट्स करते हैं। मैंने सोचा क्यों ना एक अलग करें कि जो जेंट्स का किरदार है वो लड़कियों से क्यों ना करवाया जाए। उसके लिए हमने राम जी का किरदार गुरबख्श रावत, जो यहाँ पे नगर निगम में काउंसलर है, ये लड़की वहाँ पे लक्ष्मण जी का किरदार करेगी। मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इनसे भी आप बात करें। सर बच्चे रोल कर रहे हैं, थोड़े छोटे छोटे बच्चे 10वीं कक्षा दे या होर भी बच्चे, तुम की सोच के इन्होंने रोल दिता सर? सबसे पहले तो दसो, देखो रामला का कई सदियाँ तो होंगी आ रही है, तो मैं भी 44 साल तो लगातार रामला कर रहा हूँ। ये बच्चे जो हैं ये हमारा भारत का भविष्य है, क्योंकि आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए हम रामला करते हैं। क्योंकि अगर हम रामला बंद कर देंगे तो आने वाली जनरेशन को ये नहीं पता लगेगा कि राम जी कौन थे, लक्ष्मण जी कौन थे, रावण कौन था, सीता कौन थी। इसलिए हम बच्चों से रामला इसीलिए करवा रहे हैं कि इनको पता होना चाहिए, और ये अपने इसी जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं इसको आगे लेके जाएंगे, क्योंकि हम तो पुराने करते आ रहे हैं, इसलिए हमने बच्चों को मौका दिया। सर आपका रावण का डायलॉग अगर आपने ना सुनाया तो इंटरव्यू अधूरा रह जाएगा हमारा। नहीं, रावण का डायलॉग तो मैं सुनाता हूँ आपको।
ये धरती थर थर कांपती है, जिस समय मैं रन में आता हूँ ये सृष्टि सारी डरती है, जब नजर ऊपर उठाता हूँ है काल को मैंने बांध रखा, मरने का भय नहीं खाता हूँ, शक्ति क्या है राम तेरी आज तुझे ये बतलाता हूँ, जय शंकर जय शंकर जय शंकर। नमस्कार जी, मेरा नाम प्रियंका है और मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ और अभी हम लाइट एंड साउंड की रिहर्सल करने के लिए आए हैं। तो मुझे यहाँ सुनील शर्मा अंकल जी ने एंड प्रदीप रावत अंकल जी ने इस रामलीला के शो में रिहर्सल करने का ऑर्डर दिया। इससे पहले कहाँ रोल किया आपने, कभी रोल किया आपने? नहीं, इससे पहले नहीं कर रहा, ये पहली बार लक्ष्मी कर रहा। आज आपका दूसरा दिन है रिहर्सल का, तो कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है रिहर्सल करते हैं। अगर अगली बार आपको ऐसा मौका दिया जाएगा तो करेंगे आप? हाँ जी सर। जय श्री राम, मैं प्रदीप रावत लघु रामलीला एवं दशहरा कमेटी सेक्टर 7 का निर्देशक हूँ। हमारे प्रधान श्री गोविंद कुमार जी हैं, हम सब सौरभ आर्ट और लघु रामलीला कमेटी मिलकर सेक्टर 18 में 25 दिसंबर को हाईटेक रामलीला का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें सुनील शर्मा जी सौरभ आर्ट के प्रेसिडेंट हैं। ये रामलीला हम स्वर्गीय श्री यशवंत वर्मा जी की याद में कर रहे हैं, जिसमें हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। यशवंत वर्मा जी जो कि हम उत्तर भारत में रामायण करते हैं, रामलीला करते हैं, उसके नाट्य पात्र उन्होंने लिखी है। इस शो में हम उत्तर भारत के सभी रामों के पात्रों को और ट्राई सिटी पंचकूला चंडीगढ़ और मोहाली सभी रामों को सम्मानित करेंगे। ठीक है। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।